नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुमने इस बारे में कभी सोचा है कि सीमा को कभी इस राज का पता चल गया कि तुम रोहित नहीं अमर हो तो? आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं उसको सारी हकीकत बता दूंगा। राज चाहे पति का हो या पत्नी का, अगर उसे दोनों के बीच खोल दिया जाए तो बड़कपन होता है और छुपाया जाए तो धोखा होता है। बात सही कहा तुमने, इंसान भले अपनी जान दे दे मगर किसी को धोखा ना दे। आज मैं हमारी शादी की बात करने तुम्हारे डैडी के पास गया था। रोहित, हम तो बरसों पहले अपने दिलों को जोड़ चुके हैं। तुम मुझे अपनी पत्नी और मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। सीमा, मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। क्या बात है रोहित, कोई परेशानी है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं रोहित नहीं हूँ तो? क्यों मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं है सीमा। देखो, हम दोनों शादी के कटूट बंधन में बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि यही बेहतर होगा कि मैं अपनी जिंदगी की हकीकत को तुम्हारे सामने एक शफाफ शीशे की तरह रख दूं। मैं अमर हूं, रोहित का हमशक्ल। रोहित की मौत ने तुम्हें जिंदा लाश बना दिया था सीमा। जब तुम्हारे पिताजी की नजर मुझ पर पड़ी तो तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए उन्होंने मुझे रोहित बनने पर मजबूर कर दिया, और जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मोहब्बत के लिए इतनी ईमानदारी, सच्चाई और नेकी देखकर मैं खुद तुमसे प्यार करने लगा। और आज बात यहां तक आ गई है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं सीमा के रोहित तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं भी रोहित से कम प्यार नहीं करता हूं तुमसे। हाँ, तुम मानो मन, रोहित के बारे में सब कुछ जाने के बाद भी तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी। इंसान को हमेशा खुली किताब की तरह जीना चाहिए सीमा, इसलिए आज तुम्हें अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूं। दरअसल बहुत दिनों से मैं अपने दिल, अपनी आत्मा पर एक बोझ लिए भटक रहा हूं। बोझ? हाँ सीमा, बोझ। आज से कुछ दिनों पहले अखबारों में खबर आई थी कि मेरे चाचा ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मगर आज तक कोई इस राज को जान नहीं पाया कि वो आत्महत्या नहीं थी बल्कि कत्ल था। और वो कत्ल मेरे हाथों से हुआ था सीमा। क्या? तुम्हारे हाथों खून? हालात ही कुछ ऐसे थे सीमा, मेरी जगह अगर फरिश्ता भी होता तो वो भी यही करता। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी मौसी और मेरे चाचा रहते थे। मेरे अनाथ होने के बावजूद मेरी मौसी ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। और एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मौसी को, छोड़ दीजिए मौसी को। चाचा जी, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले? अरे हट! हम पे हाथ उठाया तूने? भूल गया तू इतना ज्यादा? तेरे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया हमने? हम पे हाथ उठाया तूने? अभी बता दूं तेरे को। मेरे सामने से हर चावल में कह दूं। होश में आइए और रिवॉल्वर फेंकिए उस तरफ। मैं पुलिस से साफ साफ कह दूंगी कि तेरे चाचा जी मेरी इज्जत लूटना चाहते थे।
अपनी इज्जत बचाने में मुझसे खून हो गया, मैं कह दूंगी। नहीं नहीं मौसी, खून तो मैंने किया है, तुम इल्जाम अपने सर पे क्यों लोगी? और ये इल्जाम मैं तुम्हें अपने सर पे लेने भी नहीं दूंगा। तू अगर अपनी जिद पे अड़ा रहा तो मेरी जिद भी सुन ले, मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। तुम अपने आप को गोली क्यों मारोगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? समझ में नहीं आता क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। अमर तू किसी की भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी कॉपी कर सकता है ना, तो फिर चाचा जी की हैंडराइटिंग में खत म, 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 मैं समझ गया, मैं समझ गया मौसी। ऑफिस जा ताकि किसी को भी तेरे ऊपर शक ना हो। मैं पुलिस को फोन करती हूँ, जा जाना जल्दी। और इस तरह हम लोगों ने मिलकर इस कत्ल को खुदकशी का नाम दे दिया। मेरे और मेरे मौसी के अलावा तीसरी सिर्फ तुम हो जिस पर ये राज खुला है। अब तुम ही बताओ सीमा, मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम क्या करती? सीमा चुप क्यों हो? तुम्हें नफरत हो गई मुझसे? सीमा चंद्रवेदी स्पीकिंग। सर मैं इंस्पेक्टर सीमा बोल रही हूँ। हमारा मिशन कामयाब हो गया है, अमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये सब क्या हो रहा है बेटा? पहले तेरे हाथों चाचा जी का खून, ये सलाखे, ये मुझ बदनसीब और मनहूस औरत का साया है जो तुझ पे पड़ा है। अरे नहीं नहीं मौसी, तुम अपने आप को क्यों कोस रही हो? ये जो कुछ भी हुआ है मेरे जुर्म की वजह से थोड़ी हुआ है, ये मेरे सच भूलने की वजह से हुआ है। दिल का अच्छा हो ना, दिमाग वाले फायदा उठा ले। तूने मेरी खातिर अपनी जबान बंद रखी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मेरी नहीं नहीं मौसी, ये जुल्म मत करना। तू मुझ पर फांसी के तख्ते पर चढ़ जाने की हिम्मत है मुझ में, मगर इतनी ताकत नहीं है कि मैं कि तुमसे पूछे जाने वाले वकीलों के गंदे और घिनौने सवालों को सुन सकूं। कसम है तुम्हें मेरे सर की, तुम इस राज को राजी रखोगी मौसी? री औरत वाह, क्या रूप दिखाया है तूने! मेरे अमर के साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे बेटे ने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली? सर क्या झुकाती है, आंखें मिलाकर बात सुन डायन। आप होश में तो हैं? सॉरी। मेरे अमर को सजा दिलवाकर तू जितने चाहे मेडल जीत ले, लेकिन इस अबला की बद्दुआ है तुझे कि भगवान करे तेरी गोद कभी न भरे, तू औलाद को तरसे, तब तुझे पता चलेगा तुझे औलाद का दर्द क्या होता है।